We are in semester 3. Finally, we passed the newest, the toppest graphic card ever in the world. 5 years का कोर्स है, बहुत लंबा है. अगर उस हिसाब से देखो तो not worth it. All of the time we spent together in our prime we were birds of a. Hi guys, hello everyone, welcome back. Hi guys, hello everyone, welcome back to the vlog. ये मेरे हाथ में केला कॉफी भैया की. अरे अरे बनाना बनाना. तो गुड मॉर्निंग मंडे, और आज मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का. थर्ड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, भैया का भी आज पहला दिन है, कहीं ना कहीं का तो होगा ही. इस महीने का तीसरे हफ्ते का पहला दिन है भैया का. और भैया जूते पहनने, बस हम भग रहे हैं सामने और बस स्टेशन पे जा करके. भैया बस स्टैंड होता है, बस स्टैंड पे जाके बस पकड़नी है, फिर ट्रेन स्टेशन पे जाके. ट्रेन स्टैंड होता है ट्रेन स्टेशन. ओ जल्दी पकड़ो, गर्म है, हाथ जल रहा है. अभी देखो कैसे कैसे क्या क्या सहना पड़ता है. देखो गरम गरम है ये. बस ये आदमी आज लेट उठा मेरे चक्कर में, मैं लेट उठता हूँ इनके चक्कर में. ले लो कॉफी, लो चश्मा पहन के बैठ गई. पर्सनैलिटी देख लो, कोई अच्छी लड़की हो तो गाओ ना बता. और जो नया सब्जेक्ट है वो है रिसर्च मेथड्स. इसकी दो क्लासेज होंगी, एक लेक्चर होगा और एक ट्यूटोरियल होगा. अभी लेक्चर है, ये मास कम्युनिकेशन और हमारा एनिमेशन वालों का साथ मिलकर होता है. जस्ट नॉलेज के लिए बताया, लेट्स गो. All of the time we spent together in our prime we were. तो ये जो क्लास थी वो बस मतलब एक घंटे की थी. अब इसके बाद दूसरी क्लास में जाना है, बट वो क्लास शुरू होगी कम से कम 2-3 घंटे बाद. अपना बैठ के पढ़ लेते हैं. और क्या, अब तो नोट टेकिंग, इस पे नोट टेकिंग होती है. They want to speak, be, 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 be. Yeah, be, 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 be. Yeah. Stan, Vicky, Kamil. Stan. And we are in semester 3. Finally, we passed. We passed finally. Oh my gosh. So, अभी हम स्टूडियो जा रहे हैं. भैया, that's the building. पीछे से निकल के आए हैं. दो क्लास है. I hope Carlo, मेरा प्रोफेसर मुझे मिल जाए. I need to talk and tell him that I can't do Thursday, क्योंकि मंडे को मॉर्निंग में लेक्चर होगा और मंडे को ही मैं चाहता हूँ ट्यूटोरियल भी ले लूँ अपना. बट I don't know how it goes, so let's see. How are you? Definitely okay. At the moment, so... Oh, wait. I want properly paid. Okay. नए PCs लगा दिए हर जगह. All the new PCs in the class, right? Yeah, it is good. Oh, babe. Cut the cord, they kept that. Yeah, let's see which graphic card is in this. Open. Star? Nah, computer graphics. Just go to device manager and then you will see which graphic card is there. So these PCs have 4080, the newest, the topest graphic card ever in the world. 4080, bitch! Okay, so she's Vani. Hello. मेरे दोस्त हैं, मैं कभी इन्हें लाया नहीं ब्लॉग में, बट फाइनली आप आ गए आज. कैसा लग रहा है आपको? Awesome. Awesome, वही तो हमें आधे घंटे से बैठे हैं और खाना पीना हो चुका है, फिर मैंने कहा छोटा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं. मानी ये ब्लॉग में थोड़ी सी मेरे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं जिन जिन लोगों से मिलता हूँ RMIT में जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका कोर्स एंड हाउ देयर एक्सपीरियंस, जिससे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए. कैन यू लिटिल बिट ब्रीफ फॉर दोज स्टूडेंट्स, क्या आपका कोर्स है, हाउ योर एक्सपीरियंस इन ऑल? ओके, सो द कोर्स आई एम डूइंग इज अ डबल डिग्री. वन इज एन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिग्री एंड दूसरी इज बिजनेस मैनेजमेंट. आई एम इन माई थर्ड ईयर नाउ. 5 साल का कोर्स है, बहुत लंबा है, बट एक्सपीरियंस काफ़ी नॉर्मली है. इट्स फन, लाइक पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी है, मुश्किल भी है इंडिया के कंपैरिजन में, बट इट्स फन. इट्स लाइक बहुत ऑफिस गोइंग टाइप लगता है, तो बहुत बड़े वाली फीलिंग आती है यहाँ पे कॉलेज में रहकर भी. स्टडी के साथ साथ अगर जॉब मैनेज कर रहे हैं तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? या मैं तो बहुत सारी जॉब कर रही थी, सो डिफ़िकल्ट तो होता है बट आदत लग जाती है. स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, सो जनरली
लाइक मैं थोड़ा सा लकी थी, आई हैड 2 मंथ्स बिफोर आई स्टार्टेड कॉलेज, तो 2 महीने मैंने सिर्फ काम करा था और फिर कॉलेज शुरू हुआ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया टू डू कॉलेज एंड पढ़ाई करा। आपने कहा था कि आप कोविड के टाइम पर आए थे, राइट? राइट आफ्टर कोविड। उसके बाद व्हाट डिड यू सी चेंजेस जो आपने बच्चों में या फिर यूनिवर्सिटी में देखा? क्योंकि मेरा, मैं अगर थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँ, मैं जब आया था तो बच्चे नहीं थे, बट मैं भी राइट आफ्टर कोविड आया, बट एकदम इतने सारे बच्चे नहीं थे, कोई भी नहीं था, खाली पड़ा था, शहर खाली होता था। लेकिन अभी जितने लोग रात को बाहर दिखते हैं उसका 1% भी नहीं होते थे, स्टोर्स बंद होते थे, कुछ भी नहीं था। मतलब फर्स्ट 15 डेज ऑफ जैन सब कुछ बंद था बिकॉज लोग नहीं थे। हाँ, शी लिव्स इन सिटी, नॉट एनीमोर, नॉट एनीमोर, छोड़ दिया था। यू यूज्ड टू लिव इन सिटी, हाँ, एंड नाउ यू आर लिविंग काइंड ऑफ सबर्ब, समवॉट, हाँ, सदर्न सबर्ब्स, डिफरेंस। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास, जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें सिटी में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली पे वगैरह बच्चों की बड़ी नहीं, बट किराया बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है, राइट? सो अगर उस हिसाब से देखो तो नॉट वर्थ इट। मैं सिटी में सिर्फ इसलिए रह रही थी बिकॉज मेरे को कोविड रेट मिल रहा था घर का, आई वॉज पेइंग वेरी लेस मनी फॉर द हाउसेस, तो इट मेड सेंस, ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा, कॉलेज के पास में था। बट सब बहुत ज़्यादा बेटर है, लोग कम है तो पूरे टाइम तो वैसे केओस में नहीं रहते, और ट्रैवल वाला टाइम एक्चुअली कभी कभी बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, यू कैन एक्चुअली जस्ट वाइंड डाउन उसमें। यू लाइक टू ट्रैवल, राइट? Now I do, yeah. And suburbs में घर बहुत बड़े होते हैं, उतने ही रेंट में, right? उतने ही रेंट में, bigger houses, better localities, and बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छी communities होती हैं बहुत सारे, like suburbs में separately. मैं एक Jewish community के बीच में रहती हूँ, but हाँ, but it's very safe. मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता रात को, मैं नाइट शिफ्ट भी करती हूँ तब भी डर नहीं लगता, so suburbs any day now. Rent के हिसाब से तो suburbs any day. That's all. कुछ और है content हमारे पास देने के लिए? तुम ही जानो. Together in our prime we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain you were never once so vain. Okay, so अब हमें ये मिल गई। अभी मैं अपने आने के साथ साथ में थोड़ी सी सेलेक्ट करी अब उनके कोर्स के बारे में। सो हम जा रहे हैं कुछ खाने, भूख लग रही है, छोटे से बच्चे को भूख लग रही है, खाना खाते हैं, देखते हैं क्या खाएंगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बच्चे आ गया ना, बहुत बच्चे आए हैं, बहुत बच्चे आए, ब्लॉगर को तो मिलते ही रहते हैं। अरे नहीं, हम यार, आपके तो ब्लॉग्स देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, मिलता कोई नहीं मिलता, हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं। घर जाने का टाइम हो गया, ऐसी सुबह शुरू हुई और ऐसी सुबह ख़त्म, पर दिन ख़त्म, ठीक है। ओके, सो मेरे पास ना हिम्मत नहीं थी, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, थक गए हैं, घर आ गए, खाया पिया और अब जाना है काम पे। स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हो गया बिज़ी, व्लॉग्स की स्पीड कम हो जाए तो क्या कर सकते हैं, बट कोशिश करूँगा कि मेंटेन रहे। लेट्स सी बाकी कैसा चलता है। फ़िलहाल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करना चाहे, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुड नाइट, सो जाओ, बाय।